नहीं 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 नहीं, एक ट्राई 5%। क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ भाई? 300 का हेल्थ है और ये स्टक हो चुका है इधर। आजा 4% भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ पेल वर्ल्ड। आज हम लोग एक मिस्ट्री आइलैंड पे जाने वाले हैं और उस आइलैंड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहले हमारे पास नाइटून का सैडल नहीं हुआ करता था, तो उस आइलैंड पे हम नहीं जा सकते थे। अभी हम जा सकते हैं उस आइलैंड पे और आज हम जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आज हम मेमोरीज को पकड़ने वाले बेस पे लाके। मुझे नहीं पता मैं उसको पकड़ पाऊंगा कि नहीं। क्या लगता है मैं पकड़ पाऊंगा? देखते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सबसे पहले अपना इंक्यूबेटर को जगह है ना, उसको बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी एग्स है, उसको बिठाने वाले हैं हम हैच पे। मेरे पास मटेरियल्स बहुत ज्यादा है, मैं भाई 2-3 बना लेता हूँ भाई। एक बैठ जाएगा इधर इधर, उसके बगल में एक और। स्टोन खत्म हो गया भाई, स्टोन लाना पड़ेगा। रुको जरा, मेरे पास सामान की कमी थोड़ी है भाई। बेस अपग्रेड के लिए मुझे क्या बिल्ड करना पड़ेगा? बिल्ड व्हीट प्लांटेशन, बिल्ड मिल। ओके, हमें आटे के लिए जो खेती बाड़ी होती है ना, उसको बिल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो अभी तो 3 ठीक है भाई। मेरे ख्याल से 2 मशीनें तो रेडी हो चुकी है अभी। चलो एक मेरा ऊपर है भाई, घर के ऊपर मेरा एक्स रखा है। बहुत सारी एग्ज है वैसे मेरे पास। ये देखो कितना सारा एग्ज है मेरे पास। ये तो डार्क टाइप है, इसको लगा देते हैं। ये भी डार्क टाइप है, ये भी लगा देते हैं। ये लार्ज डार्क टाइप है, फायर टाइप। 2 डार्क टाइप और 1 फायर टाइप। ये कितने टाइम लगेगा भाई? ओ भाई 29 मिनट्स भाई, आधा घंटे। ठीक है, इसी वीडियो में हम अनलॉक कर सकते हैं भाई एक्स को। बाकी देखते हैं भाई इस अंडे के अंदर से कौन सी पोकेमॉन्स बाहर आता है भाई, खतरनाक वाली। ये देखो भाई, ये लालटेन मैंने हवा में कैसे लटकाया तुम्हें पता है? नहीं बताऊंगा भाई। एक और इंक्यूबेटर हमारा बैठ जाएगा इधर। चलो इसके लिए एक एक लाते भाई ऊपर से, फ्रोजन एग्स लगा देते हैं भाई। ये मेरे पास 2-2 है भाई। पता नहीं इस अंडे से कौन सी पोकेमॉन्स निकलने वाले हैं भाई। एक तो भाई 1-2 मिनट में निकलने वाले हैं और इन दोनों में भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी भाई मेरा ब्रीडिंग फार्म कब तक अनलॉक होएगा भाई? अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है भाई पोकेमॉन्स का ब्रीडिंग। ओए ये हो गया भाई, देखते भाई इससे कौन सी पोकेमॉन निकलते हैं भाई। सुपर एक्साइटेड। डियर ड्रीम निकला भाई, डियर ड्रीम निकला है भाई डार्क टाइप अंडे से। क्या यार, बाय द वे गाइस, आज हमें बहुत सारी पोकेमॉन्स को पकड़ना भी है, इंक्लूडिंग मेमोरिस्ट। वो हम लास्ट में पकड़ेंगे, कुछ तगड़ा तगड़ा पोकेमॉन्स पकड़ लेते हैं, उसके बाद मेमोरिस्ट को पकड़ेंगे मैं लास्ट में। और हमें आज एक मिस्टीरियस आइलैंड को भी एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, तो पहले एल्फिड्रियन और यहाँ पर कौन सी पोकेमॉन है, पेटालिया। सामने और भी पोकेमॉन्स हो सकती है, देखते हो। मेरे पास ये रिलैक्सोसॉरस भाई, ये तो रहेगा बहुत पावरफुल पोकेमॉन। नाइटविंग भी रहेगा, किंगपाका, बुशी और अजुरोबे। ओए रेड होगा मेरे बेस पे, आ जाओ भाई आ जाओ। इन लोगों को नहीं पता भाई मेरे पास कौन कौन सी पोकेमॉन है। देखो गया एक झटके में, गायब सब, सीधा खत्म भाई। चलो निपट गए सब लोग। मेरे पास थोड़ी खाने की कमी है भाई, वेरीज लेना पड़ेगा मुझे। ओ भाई इन लोगों के पास तो लाख लाख वेरीज पर है भाई। बाकी मेरा एक और बेस भी मैंने बना रखा है भाई, सिर्फ और सिर्फ इंगट के लिए। इंगट का मेरे पास कमी नहीं होने वाली कभी भी। यहाँ पर लगातार भाई इंगट का फार्मिंग होती रहती है, मतलब माइनिंग होती रहती है। और गाइस आज हम उस आइलैंड पे जाने वाले हैं और उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पहले उस आइलैंड पे जाया जाए, उसको पूरा एक्सप्लोर कर दिया जाए। बाकी लास्ट में भाई मेमोरिस्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, तो पहले उस आइलैंड पे चलते हैं, चलो वहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करना है और कौन कौन सी पोकेमॉन वहाँ रहती है भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। लेट्स गो गाइस, वहाँ पर चलते हैं आइलैंड पे। सामने एक चेस्ट मुझे दिखाई दिया, बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं भाई, क्योंकि मेरे पास अभी नाइटविंग के ऊपर मैं सवारी कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा बहुत तो दूर आ चुका हूँ, अभी भी तुम देख सकते हो भाई आइलैंड कितना ज्यादा दूर है भाई। वो नाइटविंग के बिना तो मैं जा ही नहीं सकता वहां पर। समुंदर के ऊपर से भाई नाइटविंग और मैं जा रहे हैं उड़ के भाई। कोई हमला मत कर दियो भाई पानी के अंदर से। ओ भाई हम लगभग पहुंच चुके हैं इस आइलैंड पे, और भाई ये आइलैंड देख के तो मुझे डर लग रहा है भाई। ये गुलाबी सा धुआं किसका है देख रहा है तुमको? हल्का गुलाबी गुलाबी का कुछ धुआं उड़ रहा है भाई। कुछ तो है भाई इधर, कुछ तो है भाई, कुछ तो अलग पोकेमॉन मुझे मिलेगा भाई, जरूर से मिलेगा। इतना दूर जो आया हूँ मैं, कुछ तो मिलेगा भाई। देखो भाई कितना दूर आ चुका हूँ मैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और उस ट्री तक भी हमें जाना है, लेकिन और फिर कभी जाएंगे। आज इस आइलैंड को हमें पूरा एक्सप्लोर करना है। और सामने एक अजुरोबे है। क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर हुए। ओए यहाँ पर हम आ नहीं सकते क्या? क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर हुए, ऐसा क्यों आ रहा है? ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं? यहाँ पर मुझे एक अजुरोबे दिखा था। ओ सामने एक और सी पोकेमॉन है, इरिक्थीडिया टेरा। मुझे पता था भाई यहाँ पर कुछ अलग सी पोकेमॉन तो होंगे भाई। भाई इसके साथ पंगा ले लिया भाई। रिलैक्सोसॉरस जा भाई,
दोनों वाटर टाइप। ओ शील्ड गया मेरा। चल बे पेंगिंग को निपट लेंगे भाई इजीली। आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है। एक ट्राई करे, स्मॉल बॉल से ट्राई किया हमने। आएगा? नहीं आया। आजा मेगा स्फीयर यूज करना पड़ेगा क्या तेरे लिए? ये ले 28%। चलो अब तो आ जाएगा भाई इजीली। अरे मेरे एक्सटीरियर कहाँ गया? वो गोल्डन कलर का। लेकिन ये क्रिमिनल एक्टिविटी अंडरवे ऐसा क्यों आ रहा है? मैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तुम लोग भाई कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है भाई। और मेरा एक्सटीरियर नीचे है, दिख चुका है मुझे। ये भाई मुझे चाहिए, ये ले। आजा इस तरफ आजा। ओ ओ भाई आजा ऊपर, आजा ऊपर आजा। नाइटिंग इधर आजा भाई। अरे एक थिएटर का हेल्थ बहुत कम हो चुकी है भाई। इसको ये छोटी सी बॉल से पकड़ लूँ क्या? आजा भाई 11%। आ जाएगा भाई इजीली इजीली इजीली। मुझे एक फास्ट ट्रेवल ढूंढना है भाई जल्दी से जल्दी। भाई मून कितना प्यारा दिख रहा है यार। मैं उस आइलैंड से थोड़ी सी दूर आ चुका हूँ, मुझे थोड़ी सी फास्ट ट्रेवल यूज़ करके भाई सोना है पहले तो। और ऊपर मुझे एक एफी चीज़ दिखा है, दो दो एफी चीज़ दिखा है। गॉट इट। चलो भाई, चलो भाई सुबह हो चुकी है, अभी हम उस आइलैंड पे फिर से जाएंगे और भाई बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ेंगे। भाई दिक्कत की बात यही है कि ये जो आइलैंड है ना, इसके बीच में या इस ये आइलैंड पे अभी तक तो मुझे नहीं दिखा कोई भी फास्ट ट्रैवल नहीं है भाई। भाई जाते जाते मेरे को लगता है भाई रात हो जाएगी। ऑब्वियसली मेरा स्पीड नहीं है भाई उतना ज़्यादा मेरा नाइटविंग का। यहाँ पर मुझे पिछले बार एक अजूरो भी दिखा था लेकिन हाँ दिख गया भाई। जा रिलैक्सोसॉरस। अरे उसको मारना है, उसको मारना है भाई। कहाँ जा रहा है तू? इसको मारना है, जा तू। चल रिलैक्सोसॉरस कमाल दिखा दे अपना। भाई रिलैक्सोसॉरस का हालत खराब हो गया भाई। किंग पाका भाई मेरे पास आ रहा है। मेरे पास मत था भाई, मेरे पास मत था, मेरे पास मत था, मेरे पास मत था। गया भाई मेरा शील्ड। चल हो जाएगा। ये खतरनाक अटैक है भाई, ये खतरनाक अटैक है। शिट यार ये वाले बॉल पे तो नहीं आएगा भाई श्योर से। ओए आ गया आ गया आ गया। नॉर्मल बॉल से अजूरो पे आ गया भाई, नॉर्मल बॉल से। कैन यू बिलीव इट। चलो भाई अभी हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते भाई और कौन कौन सी पोकेमॉन रहता है इधर। ये डियर तो हमने पकड़ ली थी, ये कमजोर सा पोकेमॉन है भाई, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। यहाँ पर एक और पेंकिंग है। पेंकिंग वैसे बेस पे भाई काम आता है, इसको पकड़ लेते हैं। चलो इसको पकड़ लेते हैं। चलो भाई नहीं भाई नाइटविंग से पंगा नहीं, ठीक है नाइटविंग से पंगा नहीं, एकदम नहीं। ओए 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 पत्थर पे क्यों मार रहा है ये? पत्थर पे क्यों? पगला गए हो क्या पैंकिंग? ले भाई ये तो गया। ये वाला बॉल ठीक है आ जाएगा 22%। अबे बॉल वेस्ट मत कर तू, बॉल मत वेस्ट कर भाई, बहुत महंगा है, बॉल वेस्ट मत कर। अबे पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया पकड़ लिया। नहीं आया, तू नॉर्मल बॉल से आएगा, तू नॉर्मल बॉल से आएगा। मार दे भाई इसको, अब तेरे को मार दूंगा मैं, अब तेरे को मार दूंगा। जा भाई अब तेरे को मार दूंगा मैं भाई। आ ही नहीं रहा था भाई, बॉल वेस्ट कर दिया खाली विली भाई। सामने एक और आजुरो बे, लेकिन मैं तो कोई दूसरा पोकेमॉन, नया पोकेमॉन ढूंढ रहा हूं ना,
यहाँ पर सिर्फ यही पोकेमोन है क्या? नाइटिंग और आजुरो पे यही पोकेमोन है क्या? और कोई पोकेमोन नहीं है भाई? ये आइलैंड बॉल दिलचस्प तो है, लेकिन आइलैंड पे उतना खास कोई पोकेमोन रहता नहीं है। ये पेंकिंग और आजुरो पे भाई, इसके अलावा और कोई पोकेमोन मुझे नहीं दिखा भाई। इस आइलैंड के ना एकदम टॉप पे जाऊंगा भाई। भाई अभी मैं इस आइलैंड के एकदम टॉप पे हूँ, ठीक है? अभी मैं ना इस आइलैंड के एकदम सबसे ऊंचे वाले जो पोजीशन है वहां पर हूँ। और तुम देख ही सकते हो भाई, पूरा मैप तुम देख सकते हो भाई इधर से भाई। ओ पूरा मैप देख सकते हो भाई तुम लिटरली। ओह वहां पर एक धुआं आ रहा है, तो धुआं का मतलब है वहां पर कोई तो पोकेमोन सिंडिकेट्स ने पकड़ के रखा है। तो ये रहा वो मैप, पूरा का पूरा मैप तुम देख सकते हो इधर से भाई। एकदम टॉप पोजीशन पे हूँ मैं अभी। और सामने भाई वो ट्री, भाई वो ट्री तक भी जाएंगे हम, ठीक है? बाद में इसके बाहर हम नहीं जा सकते शायद से अभी। ये कौन लोग है भाई? मुझे मार रहा है बहुत तेज। भागो भाई, भाई तैर के आ रहा है भाई मुझे मारने। मैंने क्या किया भाई? भाई ये लोग आए कहाँ से भाई? गेम का बहुत गंदा ग्लीच हो रही है भाई। ये मेरे नाइटविंग से पैदा हो रहा है भाई ये। कैसे यार भाई? पता नहीं क्यों मेरे को वांटेड का टैग लग चुका है, और ये बंदे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा भाई। भाई ये लोग मेरे बेस पे आ चुके हैं भाई, और मेरा पोकेमॉन्स भाई इन लोगों को निपट रहा है एक एक करके। अभी मेरा मत्था हो गया है खराब। मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि एल्फीड्रन जो 30 लेवल का है ना, ये पता नहीं मेरे औकात में है या नहीं, मैं पकड़ सकता हूँ कि नहीं। और ये जो है पेटालिया, इनमें से कोई एक को तो मैं अभी पकड़ने वाला हूँ। और इस जगह पर ना बहुत सारे रॉबिन गुइल रहता है। रॉबिन गुइल भाई बहुत तगड़ा पोकेमॉन है, उसको पकड़ना थोड़ा बहुत टफ हो सकता है मेरे लिए, लेकिन ट्राई करूंगा मैं। यहाँ पर है हमारा एल्फीड्रन और पेटालिया, एक पकड़ लेंगे भाई आज तो। ओ नीचे 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 दिख गया भाई, पकड़ लूंगा भाई। जा मेरा एक थीडियर नया वाला गोल्डन वाला भाई, निपट लेंगे। एक थीडियर मर गया भाई। भाई एक झटके में मर गया मैं, सीरियसली भाई साहब एक झटके में मर गया भाई। ताकत दे भाई रॉबिन गुइल पे, ताकत है भाई, आज तो मैं पकड़ूंगा उसको भाई। अब ना बहुत सारी पोकेमॉन्स भरा पड़ा है भाई, एक को मारने जाऊंगा भाई सब लोग भड़क जाएंगे भाई, कलेश हो जाएगी। ओके यहाँ पर एक रॉबिन गुइल मुझे दिख चुका है, पहले मैं फास्ट ट्रैवल को अनलॉक कर लेता हूँ भाई। चलो अभी भाई रॉबिन गुइल से फाइट लेंगे भाई। तगड़ा वाला सो रहा है क्या वो? उसको अगर पकड़ लूंगा ना तो पेटालिया को पकड़ना इजी हो जाएगा भाई। आराम आराम बाद में करियो भाई, पहले तुम उससे निपट। ये ले। ओ भाई पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, 25 लेवल का है भाई, 25 लेवल का। बूसी भाई, बूसी बचा लिया मेरे को सीरियसली भाई। ये बंदूक है इसके पास? व्हाट? कैसे? अजुरोबे भाई जा भाई, अजुरोबे को पहले ही निपट लिया भाई इसने तो। नहीं भाई मेरा बूशी बहुत ज्यादा हेल्थ कम तो कर दिया इसका भाई, मेरा बूशी ना इसका बहुत ज्यादा हेल्थ कम कर दिया। वैसे अभी मैं इसको पकड़ सकता हूँ भाई, पकड़ सकता हूँ भाई। आ जा, 13% रेट है, नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा तेरे को। आजा भाई, गैलक्रो कहां से आ गया भाई? भाई प्लीज आजा, आएगा आएगा, लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई। रॉबिन को मिल गया भाई। हाँ भाई मैं तो मरने वाला हूँ भाई, अभी मैं बेस पे जाने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास रॉबिन गुइल आ चुका है, तो मैं रॉबिन गुइल को ले आके भाई फाइट करूँगा, ठीक है? रॉबिन गुइल को मैं अपनी टीम पे लेने वाला हूँ भाई, वो बहुत पावरफुल पोकेमॉन है सीरियसली। ये गैलक्रो भाई रुक जाइयो ज़रा, इसके अंदर भाई बहुत घमंड है, इसको मार पहले तू। नाइटविंग कहाँ गया तू? अबे यार नाइटविंग कभी कभी भाई गुस्सा दिला देता है। रॉबिन गुइल को ना मैं रिप्लेस करने वाला हूँ भाई रिलैक्सोसॉरस के साथ। 18 लेवल का रॉबिन गुइल हो चुका है, मतलब वो 25 लेवल का है। मेरा लेवल क्योंकि 18 है तो उसका लेवल भी 18 है, ठीक है? पेटालिया मैं आ रहा हूँ भाई। पेटालिया कहाँ हो तुम? ये रही, चलो भाई यहाँ पर बहुत सारी रॉबिन गुइल है भाई, रॉबिन गुइल भरा पड़ा है भाई इधर। लेट्स गो भाई, हम पेटालिया के साथ फाइट लेने जा रहे हैं, चलो लेट्स गो। पेटालिया कितना लेवल का है? देखा नहीं मैंने, 28 लेवल का। पहले तो मैं भेजूंगा किंग पाका को भाई, इसके साथ फायर टाइप काम में आ गया भाई बहुत ज़्यादा।
फायर टाइप असर करेगा इस पे। 22 भाई, 2200 इसका हेल्थ है भाई। भाग 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 भाग, मेरे पास मत आ भाई, मेरे पास मत आ। हेडशॉट, नहीं नहीं नहीं, बबल्स का अटैक भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरा किंग पका का हेल्थ कम तो किया है इसने भाई। नाइटविंग जरा तू जाइयो, इसको थोड़ा हवा का कमाल देगा भाई। आ गया भाई पूरा भाई। इस बार मैं पकड़ने वाला हूँ, इस बार मैं बेटा संभाल कर आइयो, पीट दूंगा बहुत बुरा। बुशी, इस बार मैं पकड़ने वाला हूँ भाई। खुद को भी संभालना पड़ेगा और इसको भी मारना पड़ेगा। हो जाएगा भाई। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक अटैक है, ये बहुत खतरनाक अटैक है भाई। बुशी ने बचा लिया भाई। बुशी मेरे को भी डिफेंड करता है भाई, बहुत अच्छा पोकेमोन है। अजूरो बे, वाटर टाइप काम आएगा इस पे? ये तो ग्रास टाइप है ना। हमारा अजूरो बे भाई बबल अटैक करता है भाई। नहीं 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 भाई, मेरा निशाना इतना खराब कैसे है? किंग पाका, मेरे पास मत आ। ये अटैक भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओके रुक जाओ, मेरे को थोड़ा सा हील करना पड़ेगा, मैं अभी फाइट पे नहीं जा रहा भाई। किंग पाका फंस चुका है। नाइट विंग, रॉबिन गुल को मैं बचा के रख रहा हूं बाद के लिए, ठीक है। चलो रॉबिन क्विल, अब तेरा कमाल दिखा भाई। रॉबिन क्विल अभी अभी पकड़ा है मैंने रॉबिन क्विल को भाई। इसको लगता नहीं मैं पकड़ सकता हूँ भाई, 2000 के से ज़्यादा इसका हेल्थ है अभी भी। लगता तो नहीं इसको पकड़ सकता हूँ मैं। 25 और 28 लेवल का फाइट हो रहा है अभी भाई। रॉबिन क्विल डैमेज दे रहा है भाई, रॉबिन क्विल ने डैमेज दिया भाई। इधर आ, हो जाएगा। नहीं, ये अटैक भाई बहुत ही ज्यादा बुरा है भाई। बुशी रॉबिन को थोड़ा रेस्ट कर ले, शील्ड गया मेरा। खाना वाना खिला देता हूँ भाई सबको। ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है भाई। यार शील्ड फिर से गया मेरा। रॉबिन क्विल बचा ले यार, सॉरी रॉबिन क्विल अजूरो बे। अरे मेरे पीछे मारा है, मार देगा मुझे। अरे यार शिट यार। ओके ये मेरी थर्ड ट्राई है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। पेटा लिया, पेटा लिया। पहले मैं रॉबिन कुल को भेजने वाला हूँ। मुझे थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेरा पोकेमोन संभाल लेगा। मैं बार बार इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद का ख्याल नहीं रख रहा हूँ, इसलिए मैं मर रहा हूँ भाई। देखो ये भाई, इसके पास में मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। खा लिया भाई मेरा हेल्थ। भाई रॉबिन कुल टक्कर दे सकता है भाई इसको, गट फीलिंग आ रहा है भाई।
रॉबिन क्यों टक्कर दे सकता है। अजूरो बे पता नहीं भाई आइस टाइप पोकेमोन इसको कैसा डैमेज दे पाएगा। भाई भाई खा गया। अरे मेरे पास मत आ। फिर से नहीं भाई। मैं जा रहा हूँ इधर से। फिर से नहीं। फिर से भेज दिया भाई। फिर से आ रहा है मेरे पास। पीछे तो देख। अरे अजूरोपे के साथ फाइट कर। मेरे पास क्यों भाई। मेरे पास मत आ तू प्लीज। अजूरोपे के साथ फाइट कर ना। अजूरोपे अच्छा डैमेज दे रहा। किंग पाक अभी तू जा। पेटा लिया भाई। बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे भाई। इसका हेल्थ तो कम ही नहीं रहा भाई। ये छोड़ दिया इसका बबल्स। लग गया भाई मेरे को। किंग पा कर क्या रहा है भाई। नाइटविंग भाई। नाइटविंग को क्या डैमेज दे रहा है देखो भाई। ये पिटा लिया। मार भाई इसको मार भाई। खाना खा लो सब खाना खा लो। गया मेरा शील्ड गया। बुशी अब तेरी बारी भाई। कुछ कमाल दिखा दे। मैं गुस्से में है भाई। गुस्से में। बुशी मेरे को बचा लिया भाई। मुझे पता था ये सामने आ जाएगा। सोलह सौ का हेल्थ है भाई। बुशी गया। बुशी तो गया। अजूरो बे तू अच्छा डैमेज दे रहा था। फिर से दिखा दे अपना कमाल भाई। अभी खाना खिला दो भाई सबको। मारना ही पड़ेगा मुझे ठीक है। अभी मैं अगर मर गया ना इसको आज मैं नहीं पकड़ने वाला भाई। शील्ड गया आधा। 1600 का हेल्थ भाई। हेल्थ कम ही नहीं रहा भाई इसका। किंग पाका भाई थोड़ा सा टक्कर दे दे भाई इसको तू। 10-10 करके डैमेज आ रहा है भाई मेरा तीर का। भेज दिया भाई बबल्स। लग गया। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू। किंग पाका बहुत देर तक टिकता है भाई। यही उसका फायदा है। चल 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 चल। लग गया भाई। किंग पाका दे रहा है भाई डैमेज। दे रहा है किंग पाका। तेरह सौ का पकड़ लूंगा भाई। गट फीलिंग है। किंग पाका मरने वाला है। अरे नहीं 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 भाई नहीं।
शिट, रॉबिन क्विल अभी नहीं, थोड़ी सी माइकिंग गया भाई। कब तक टिक पाऊंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई, मैं अभी नहीं मार। अरे मेरे पास माता, शिट, नहीं भाई मेरे पास मेरा हेल्थ भाई बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, शील्ड आ चुका है, चलो मेरे पास आ रहा है भाई, भागो। एक अटैक और मेरा शील्ड गया। वेट, एक अटैक भाई, मेरा शील्ड गया। बुशी जा भाई, रॉबिन कुल खत्म होने वाली थी पूरी। ओके, 1000 का डैमेज आ चुका है, मतलब 1000 का हेल्थ आ चुका है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1000 का हेल्थ आ चुका है इसका, हो जाएगा भाई अभी। 900 का हेल्थ, बुशी भाई कमाल का पोकेमोन है, कमाल का पोकेमोन है बुशी। बुशी भी खत्म ही होने ही वाला है। अजुरोबे बबल छोड़ दिया भाई, घटिया अटैक बहुत ज्यादा। शिट यार, मैं तो अटैक नहीं करने वाला अभी। 900 का हेल्थ है भाई, शील्ड आ जाए भाई प्लीज। भाई नाइटविंग आएगा इसके बाद, बबल्स छोड़ दिया भाई। आठ सौ का हेल्थ है, पकड़ लूंगा भाई, गट फीलिंग है, पकड़ लूंगा। 800 का हेल्थ भाई, नाश्ता क्यों है कभी कभी। मेरे पास आ रहा है भाई ये, भाग भाग भाग, ओए शील्ड खा गया। चाय ले, एक चाय 5% 5। रॉबिन क्विल मर गया, शिट। ओए भाई आ गया हमारा पेटा लिया, कैसे यार, 5% चांस था भाई। शिट, आई एम लकी ब्रो, प्रिटी लकी भाई, पेटल ही आ गए हमारे पास। चलो अभी हम मेमोरस से फाइट लेने वाले हैं भाई, पहले बेस पे चलते हैं। चलो भाई, पेटलिया हमारे पास आ चुकी है, अभी मैं तो एल्फीडियन से फाइट करने जा रहा हूँ भाई। 30 लेवल का एक पोकेमोन है, पता नहीं मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं, बट फिर भी ट्राई करूंगा भाई। चलो भाई, यहाँ पर रॉबिन क्विल का मेला लगा है लिटरली, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 रॉबिन क्विल भाई एक साथ। एल्फीडन के इलाके में मैं आ चुका हूँ, ठीक है भाई। एल्फीडन को कोई मतलब नहीं भाई, हम किससे फाइट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एल्फीडन के साथ फाइट होगा भाई सिंडिकेट्स का, पहले निपट ले भाई एल्फीडन, उसको निपट ले पहले, उसके बाद में जाऊँगा फाइट करने। फाइट लिया जाए, लेट्स गो। मुझे पता नहीं मैं मरूंगा कि पकड़ूंगा भाई, लेकिन ट्राई तो करूंगा भाई। 30 लेवल का एल्फीडन है, टफ हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा। पहली लगता है ये पोकेमोन बहुत फास्ट है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा दूर से खेलना पड़ेगा मुझे, ये तो मुझे पकड़ लेगा भाई। मेरी ये तीर, छोटा छोटा तीर का कोई खास असर तो नहीं होने वाला, लेकिन किंग पाका ने डैमेज भाई बहुत अच्छा दिया, ठीक है। अरे पेटालिया के बारी भाई, पेटालिया क्या करते है? देखते भाई पेटालिया का पावर क्या है। पेटालिया हो, एल्फीडन फायर अटैक करता है क्या? नहीं टिक पाएंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई। बुशी को निपट दिया एक झटके में, स्ट्रेटजी वाइज खेलू तो कैसा रहेगा, स्ट्रेटजिकली खेलू तो
चलो स्ट्रेटजी वाइज खेलूंगा भाई, पकड़ तो लूंगा इसको मैं। शाबाश बुशी, चल बुला लिया भाई इसको। अजरो बे एकदम भाई कवर लेके खेलूंगा मैं। ओए कितने दूर से अटक कर दिया भाई, ये तो खतरनाक भाई, ये खतरनाक पोकेमॉन है सीरियसली भाई। एल्फीड्रन तो भारी पड़ गया भाई, एल्फीड्रन भारी पड़ गया। चुपचाप से जाता हूँ भाई, उसको पता नहीं चलनी चाहिए। मैं अपना सामान पहले ले लूँ भाई, उसके बाद देखेंगे। ओए ये कौन सी पोकेमोन है भाई। एल्फीड्रन को मैं फिर से एक ट्राई लेने आया था, तो यहाँ पर एक सिंडिकेट्स का जेल, मतलब पोकेमोन्स का जेल दिखाई दिया मुझे। देखो जरा ये बताता हूँ इन लोगों को, किंग पा का ये कोई छोटा सा पोकेमोन है, बट ठीक है भाई, इनको छुड़ाना हमारा फर्ज बनता है। चलो लेट्स गो रिबोनी। फालतू की भाई फाइटिंग करके कोई फायदा नहीं है, भागो इधर से। पोकेमोन ले लिया, निकलो। पिछले बार मैं बहुत ही ज्यादा पिट गया था, आज अभी पता नहीं मैं क्या होगा। पहले तो मेरा भाई सामान लेना पड़ेगा मुझे पहले तो। इसको अगर हम पकड़ लेना आज, तो भाई इसके बाद जो मेमोरिस्ट के साथ जो फाइट होने वाला है ना, वो बहुत इजी होने वाला है भाई, क्योंकि एल्फीड्रन बहुत ही पावरफुल है। ये अगर मेरे बेस पर आएगा तो मेमोरिस्ट पर निपट जाएंगे। खुद खा लूँ और पोकेमोन को भी खाना खिला दूँ, ताकि पूरा जोश से फाइट हो सके भाई। एल्फीड्रन रॉबिन गुल को फर्स्ट में भेजे, मैं थोड़ा सेफ खेलने वाला हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा सेफ खेलूंगा, क्योंकि भाई ये बहुत फास्ट पोकेमोन है, ठीक है। देखो अभी से ही मेरे पास आ रहा है, अभी से ही मेरे पास आ रहा है, और मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी वाइज खेलने वाला हूँ, क्योंकि ताकत से वाइज इसको हरा नहीं सकता मैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट पोकेमोन है और बहुत ही पावरफुल भी है। ये देखो किस तरह के अटैक दे रहा है मेरे को। जा रॉबिन गुइल, ओए ये तो फॉलो करता है भाई, ये उस तरफ। भाई रॉबिन गुइल को बुलाओ पहले, बहुत खतरनाक। अरे यहाँ पर सिंडिकेट्स भी है यार, मर जाऊंगा मैं। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, इतना ताकत कहाँ रखे भाई, नहीं होगा, इतना ताकत। एक और ट्राई करूंगा। तीन बार मैं मर चुका हूँ अभी। इस टाइम यहाँ पर कोई भी दूसरा पोकेमोन नहीं है, अभी मैं फाइट ले सकता हूँ भाई। एल्फीड्रन का एक अटैक अगर मेरे ऊपर लग गया ना, तो मैं गया भाई। किंग पाका को भेजते हैं पहले। दो हजार छह सौ का एक्सपी, चलो मैं भागो इधर से, भागो भाई, पहले भागो। ठीक है तू मेरे पास आ। बुला लिया इसको, चल भाई अभी तो मैं खेलूंगा। लगा शिट, भागो। मुझे पता चल गया भाई, मुझे बहुत दूर रहना है तभी मैं बच पाऊंगा। मुझे बहुत दूर से फाइट लेना पड़ेगा तभी मैं बच पाऊंगा, लेकिन ये तो आए जा रहा है मेरे पास। जा भाई तू जा, फंस गया भाई। चलो भाई अभी मजा आएगा ना। एल्फीड्रन 2400, ये फंस चुका है। रॉबिन गुल को भेजता हूँ, छूट गया भाई।
सॉरी, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। भाई कहाँ तक चला आ रहा है वो? ओ भाई क्या अटैक दे रहा है देखो भाई ये। हाँ अभी इसके साथ भी फाइट, दूसरे पोकेमॉन्स के साथ फाइट लग गया भाई। अरे पत्थर की इस पर कैसे आया भाई? मेरे पास कितना फास्ट पोकेमॉन है ये अजुरोबे, गया नहीं। निकल निकल निकल, कैसे मरा मैं भाई? क्यों ना मैं मेमोरिस्ट को पहले पकड़ लूँ, उसके बाद एफिलियन के साथ फाइट लूँ। भाई 38 लेवल का मेमोरिस्ट, भाई 38 लेवल का। तो मेरे पास ना मेगा स्फीयर 49 है और गीगा स्फीयर 2 है, तो इससे तो आराम से मैं मेमोरिस्ट को पकड़ सकता हूँ अगर वो आए इसमें। चलो भाई मेमोरिस्ट के साथ फाइट लिया जाए। तो मैं बेस पे ना सबसे तगड़ा जो पोकेमॉन्स है उसको रखूंगा बेस पे। अगर मेरे बेस पे सबसे तगड़ा पोकेमॉन्स भी रख दूँ ना, फिर भी ये मेमोरिस्ट सबको मार देगा, मेरे को ये पता है। ठीक है, सबको मार देगा लेकिन उसका हेल्थ बहुत कम होगा, तो मैं दो बारी में उसको मारने की कोशिश करूंगा। ठीक है चलो गाइस, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कोई दो बारी में मेमोरिस्ट को मैं पकड़ूंगा, एक बार में उसको नहीं पकड़ सकता मैं, उतना औकात नहीं हुआ अभी। बुशी किंग पका, ये पेटालिया, नाइट विंग, अजुरो पे दो दो दे देते भाई बेस पे। और ये चिलेट किसी काम का तो नहीं है, बट ठीक है चलो हो जाएगा। एक थ्रीडियर, एक थ्रीडियर बहुत अच्छा डैमेज देता है। ठीक है, और रॉबिन गुल को मैं रखता हूँ अपने पास, और अपने पास नाइट विंग को भी रख देता हूँ क्योंकि भाई भागना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास मेरे बेस पे पोकेमॉन्स को मैं उतार चुका हूँ, अभी मेमोरिस्ट के साथ फाइट लेने जा रहा हूँ एट लास्ट। ठीक है, लाइक कर दो भाई इसी बात पे। मेरा लेवल भाई 19 है, ठीक है, और मैं 38 लेवल की मेमोरिस के साथ फाइट लेने वाला हूँ। ठीक है, जिगरा होना चाहिए भाई। चलो मेरा लेवल है 19 और मैं फाइट ले रहा हूँ भाई 38 लेवल का मेमोरिस के साथ। पता नहीं मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं, मेरा बेस का तो तहस नहस होने वाला है मुझे पता है। अरे भागता किधर है, रुक जा। मैम वेस्ट, आ जाइयो आ जाइयो आ जाइयो आ जाइयो, इधर आओ इधर आओ, आ जाइयो। एक अटैक कर दे मैम वोडिस्ट, बस बाकी हमारा पोकेमॉन देख लेगा भाई। चलो अभी फाइट होगा तगड़ा वाला, मैं उतर जाता हूँ भाई। फाइट देख रहे हो तुम, इसका हेल्थ भाई बहुत ही धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी तो 4000 भी नहीं हुआ भाई। एक तीर बहुत सारी पोकेमॉन्स मर चुका है मेरा। ठीक है, सर्पेंट को भेजता हूँ, फाइट देख रहे हो तुम। ओ भाई जला दिया, किसी ने तो जला दिया भाई, किसी ने जला दिया, किसी ने फ्रीज कर दिया भाई, कुछ भी हो रहा है इधर। रॉबिन क्विल को भेजता हूँ भाई, 3800 का हो चुका है इसका हेल्थ अभी। अभी कितना परसेंट है? 0% भाई, एकदम 0% चांस। मेरे पास आ रहा है। नाइट विंग, मेरा बहुत सी पोकेमॉन मर भी चुका है। ठीक है, मेरा घर तो गया भाई, आज तो मेरा घर गया। ओ भाई आज मेरा घर भाई गया, चारों तरफ से भाई मेरा पोकेमॉन उसको मारे जा रहा है भाई। 3500 का हेल्थ है उसका अभी भी, सिर्फ और सिर्फ। अरे हजार भी कम नहीं हुआ अभी। हाँ मेरे पास मत आ भाई। भाई ये अर्थक्वेक का अटैक बहुत तगड़ा है भाई, सभी निपट जाते हैं। चिलेट तू जा भाई, थोड़ा सा तो हेल्थ कम कर दे। दो चिलेट बचा है भाई और एक टॉम्बैट गया, चिलेट भी गया। तुम अटैक देख रहे हो उसको, नाइट विंग को बचाना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर सवार होके मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। ठीक है, इसका हेल्थ मुझे ये 3400 है ना, यहाँ पर बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो फुल हेल्थ का हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। शिट यार, चला जा। हाँ सब मर गए भाई, चले जा, मर गए सब। ओ भाई मेरे बेस पे एक बार तुम देखो भाई, लाशें बिछा के रखा है मेमोरिस्ट ने।
सबको रिकवरी कर लेते, उसके बाद भाई फिर से जाएंगे। चलो आ जाओ सब, 10 मिनट का वक्त लगेगा, उसके बाद मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ। अभी मेमोरिस्ट का भी पागल बना रहा हूँ, देखो ये देखो वो अटैक कर रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, लग ही नहीं रहा मेरे को भाई, टॉर्च करे जा रहा हूँ मैं। एक बार मेरे पोकेमॉन्स को रिकवरी होने देते हैं भाई, उसके बाद ना मैं मेमोरिस्ट फिर से पे लेंगे भाई। भाई ये जो नाइटविंग का एयर कैनन है ना भाई, लिटरली एक एक करके डैमेज हो रहा है उसका। लेकिन मेरे को एक डाउट है भाई, ये 38 लेवल का मेमोरिस्ट है, मेरे पास आएगा? वो एक डाउट है भाई, मेरा बेस गया भाई आज, इसको मारना है भाई। सो गए सब भाई, मारना है उसको भाई। चलो स्टार्ट हो गया हमारा, भाग 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 भाई भाग, अभी लड़ाई देखने की बारी है। घर भाई सब टूट गया, ठीक है सबको रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन मेमोस्ट को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके 3000 का एक्सपी हो चुके हैं इसका, लेट्स गो। मैं 80 रुपये को भेज देता हूँ भाई, 1000 रुपये मेरे पास भी है, इसको भेज देता हूँ। मुझे पता नहीं भाई मैं इसको कब तक मार पाऊँगा, इसका हेल्थ अभी भी बहुत ज़्यादा है, और एक ही झटके मेरा सब पोकेमॉन भाई ख़त्म ख़त्म। 2500 का हो चुकी है लगभग, 2500 का, अभी भी आधा भी नहीं हुआ। डाउट सिर्फ यही है मेरा कि मेमोरिस आएगा मेरे पास, वो एक डाउट है भाई। मार तो दूंगा मैं, लेकिन हेल्थ तो कम कर दूंगा, लेकिन आएगा क्या मेरे बॉल में, वो एक डाउट वाली चीज़ है। ओए किंग पाका बहुत अच्छा अटैक दे रहा है भाई, किंग पाका का हेल्थ भाई उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है वो टाइम वो खुद भी भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ का है ना, इसीलिए एक थ्रीडियर और सॉक्स। ओके 2000 का हो चुकी है लगभग, किंग पाका गया मेरा, अभी पेटा लिया है और 8 सॉक्स है। अनु भी जिंदा है अभी भी, नाइट विंग अनु भी गया। ओए किंग पाका उड़ गया, किंग पाका उड़ गया भाई। किंग पाका उड़ के वहां पर चला गया, मतलब क्या खतरनाक पोकेमॉन है भाई ये। ओके 1900 का हो चुका है इसका हेल्थ, अकेले फाइट दे रहा है भाई नाइट विंग। पीटा लिया अभी भी जिंदा है भाई, तो मेमोरिस मेरे को खा जाएगा। चलो भाई 1800 का हेल्थ हो चुका है उसका, फिर से 10 मिनट का वक्त लगेगा भाई रिकवरी होने में। ये देखो इसको मैं मारा, अभी ये मेरे पीछे आएगा, कुछ नहीं होगा मेरे को, मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा, अभी देखो वापस चला जाएगा। रात भी हो चुकी है लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, पता चला भाई इसका हेल्थ फुल हो गया, कांड हो जाएगी भाई। मेमोरिस्ट उठ जाओ, सोना मत, तेरे को मैं सोने दे दूंगा आज, तेरे को सोना है मेरे बेस के अंदर आ जाए, यहाँ पर बिस्तर बिस्तर एकदम रेडी करके रखा हुआ मैंने, इधर आके सो जा भाई, इधर आके सो जा तू। इसको मैंने सारी रात सोने नहीं दी, ठीक है अभी सुबह होने ही वाला है और मेरा पोकेमॉन्स भी सब रिकवर होने ही वाला है। थर्ड अटेम्प्ट, आ जाइयो बेटे। अभी मजा आएगा ना, मैं भाई चिलेट को भेज देता हूँ। अरे भागता किधर है, भाग के कितनी दूर जाएगा, आ जाओ इधर आ जाओ। ओए खा गया भाई, टॉम्बैट नहीं, टॉम्बैट नहीं, रिलैक्सोसॉरस जाओ तुम्हारी बारी। 1600 का हेल्थ है इसका भाई, डैमेज देख रहे हो तुम, डैमेज देख रहे हो भाई, 800 रुपये ढेर हो गया एक बारी में। 1300 1200 का हेल्थ है, 1200 का हेल्थ है भाई, सब ढेर सब ढेर। कॉम्बैट रिएक्शन सर तू जा भाई, शिट यार ग्यारह सौ का हेल्थ है हो जाएगा भाई, और एक अटेम्प्ट में तो हो जाएगा। अभी मेरा बहुत सारी पोकेमॉन जिंदा है, 1000 के नीचे आ गए भाई, 1000 के नीचे आ गए, चलो भाई 1000 के नीचे आ गए। मेरे पास मत आ। गया मैं, नाइट विंग गया मेरा, और इसका हेल्थ भाई 400 का हेल्थ सिर्फ, बॉल वेस्ट कर रहा है ये। 300 का हेल्थ है, मरना चाहिए
क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ भाई? 300 का हेल्थ है और ये स्टक हो चुका है इधर। आ जाओ, आ जाइयो। अभी ये मेमोरिज भाग रहा है भाई। आएगा आएगा 1% नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। मेरे बेस पे रेड हो चुका है, मेरे बेस पे रेड हो चुका है। शिट यार, अभी अभी रेड होना था भाई, अभी ये सब होना था। जल्दी निपटा लो भाई। अरे यार, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ये मर जाएगा लेकिन मेरे हाथ पे नहीं आएगा भाई, ऐसा पोकेमॉन है ये। आ जा अबे, गीगा स्फीयर यूज करे। आ जा, 4% भाई यार, 4% भाई। आ जा आ जा, कोई चांस ही नहीं है भाई। भाई 100 का हेल्थ इसका, अब तो आ जा। अरे भाई अब तो आ जा भाई, अब तो आ जा। दिस स्फीयर इज नॉट वर्किंग ऑन मेमोरिस लेवल 13, ट्राई यूजिंग अ बेटर स्फीयर। 38 लेवल का है भाई, उतना आसान थोड़ी होगा, इतना आसान थोड़ी होगा भाई। आ जा भाई, आ जा प्लीज। नहीं आया, एक बॉल वेस्ट हो रहा है, एक बॉल में आ रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। एक को फेंक दे रहा, एक को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा और एक में आ रहा है। 1% 2% जो भी चांस हो भाई। 120 का हेल्थ है इसका, घमंड देख रहे हो तुम? 120 का हेल्थ है, अभी भी नहीं मान रहा भाई। आ जाइयो, 1% नहीं आएगा। फिर से छोटा छोटा पोकेमॉन उतारता हूँ भाई बेस पे, इसको मारूंगा मैं आज। नहीं पकड़ सका तो मार दूंगा भाई। नहीं आएगा भाई, ये नहीं आने वाला भाई, चांस नहीं है भाई। अभी तू मर भाई, कुछ नहीं कर सकते। इतना भाई बहुत चाय गया, वो नहीं आया, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, उसको मारना ही पड़ेगा अभी। चलो हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। चलो भाई, मेमोरिस्ट का हमने पकड़ लिया भाई। मेरे पास 46 बॉल्स थी भाई मेगा स्फीयर, 40 बॉल मैंने यूज़ कर लिया तब भी नहीं पकड़ पाया मेमोरिस्ट को। सीरियसली 46 मेगा स्फीयर था, उससे मैंने 40 यूज़ कर लिया, उसके बावजूद भी मैं 38 लेवल का मेमोरिस्ट नहीं पकड़ पाया। और मेरा बेस तुम देख ही सकते हो, मेरा घर का कोई नामो निशान नहीं है, सब कुछ भाई तबाह हो चुकी है, ठीक है। मुझे फिर से बिल्ड करना पड़ेगा एकदम पहले से, ठीक है। अभी मेरा घर तो पूरा तबाह हो चुका है, इसको फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और भाई एल्फिडियन को मैं आज नहीं पकड़ सका, और मेमोरिस्ट को भाई बात ही छोड़ दो भाई, वो भाई नहीं नहीं आएगा भाई वो। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दो। और भाई मुझे पता चल गया भाई, 38 लेवल का मेमोरिस्ट के साथ पंगा लेने की अंजाम क्या हो सकती है, तुम्हें भी पता चल गया होगा। तो ठीक है, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।